आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया की पत्नी नवाज मोदी तीन कंपनियों के बोर्ड से बाहर हुई। बोली, गौतम ने पहले मारपीट की, अब रेमंड ग्रुप की कंपनियों से बेदखल किया। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी रेमंड ने अभी तक नवाज मोदी को बोर्ड से बाहर करने का प्रस्ताव नहीं रखा है, लेकिन जल्द ही वह भी ऐसा कर सकती है। सेंसेक्स 609 अंक की गिरावट के साथ 73,730 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 150 अंक गिरकर 22,419 पर बंद। टेक महिंद्रा का शेयर 7.55% चढ़ा। इलेक्शन कमीशन की जांच शुरू होने के बाद पीएम मोदी ने फिर मंगलसूत्र विरासत टैक्स की बात की। कहा, INDIA गठबंधन आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेगा और अपने वोट बैंक में बांट देगा। तो वहीं कांग्रेस बोली, हमारे मैनिफेस्टो में विरासत टैक्स का जिक्र नहीं। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस टैक्स को खत्म कर दिया था। पीएम मोदी पर 6 साल चुनावी बैन लगाने की मांग। भगवान मंदिरों के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगा। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। पीएम ने 9 अप्रैल को यूपी के पीलीभीत में अपने भाषण के दौरान हिंदू देवी देवताओं, सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे। इसी स्पीच को एडवोकेट जोंधले ने याचिका का आधार बनाया। जालंधर में हादसे का शिकार हुआ दूध वाला टैंकर। 10 गाड़ियों को टक्कर, दर्जन भर लोग जख्मी हुए। ब्रेक फेल होने से हुआ बड़ा एक्सीडेंट।